सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। कितनी भीषण, हमारे बच्चे को कोई पता नहीं है कि जल गया कि मर गया कि बच गया। बाहर की खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला, अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। कितनी भीषण दुर्घटना, हादसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है। कितनी भीषण दुर्घटना, हादसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है। शर्म आनी चाहिए दुकान को, क्योंकि हमारे नीलू कुलदीप का बच्चा है, हम उसकी बड़ी माँ है बच्चे की। सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लग गई है। सर हमारे बच्चे को कोई पता नहीं है कि जल गया कि मर गया कि बच गया। ना भी हमारा बच्चा मिला है सर, 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। घटना हुई, आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था? हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा। और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्स बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी उसका भी बच्चा आया, ऐसे निकाले हम लोगों। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला, अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। अच्छा बताओ बच्चे के बारे में, कहाँ है, क्या है? बच्चा तो भारती था, नहीं पता। भारती आ तो पता नहीं है कहाँ है, क्या हुआ था वहाँ पे। वहाँ पे आग लग गई है, तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी, तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई, जो लेके आती जब मिला ही नहीं कुछ, तब मैं क्या करने जाती। क्या दिन का बच्चा था? 8 दिन का। क्या हुआ बताओ बच्चा? बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब, मतलब बच्चे खत्म हो गए, सब निकाल नहीं पाए। बच्चा कहाँ है? बच्चा पता ही नहीं है, जल गया कि बच गया क्या। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है घटना की। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए, साथ साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे, और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुखी घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से। सर 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है, उनको बच्चे जो, नहीं मिल रहे, जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे, और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।
क्या हालत है? नहीं, जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता है, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। सामने दीजिए सर, आग तुरंत फैल गई और उसमें जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए, हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकाले गए, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी फिलहाल अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। ये 5:30 के आसपास सर, कितने बच्चे भर्ती थे? 54। अभी सर अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है? मैंने बताया ना, अभी उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं और बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। जो जिस जांच की बात कही जा रही है